मेरा तो इंटरव्यू खत्म हो गया, तुम अपना देख लो, मुझे जितना चाहिए था जानना था मेरे जान बंद करो। 800 DPI पे मैं कभी 0.85 खेलता हूँ और कभी 0.545 खेलता हूँ। तो मतलब पूरा माउस पैड कवर करने पे 360 हो जाता है। नमस्कार देवियों सर, जो स्वागत है आपका बूस्टेड रेडियंस में। मेरा नाम है क्रैट और इस सेगमेंट में आज हमारे साथ जुड़ने वाले यंग गन्स ऑफ रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स, द आइजल साहब एंड फ्लेक्स साहब Killjoy/Jet, आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा इस कैमरे में देख के इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप। हेलो, माय सेल्फ हर्ष, आई एम फ्रॉम रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स। हेलो, दिस इज डेडिटेन फ्रॉम रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स, आई एम जेट मेन फॉर रेकनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बॉयज, आप आए इतना हेक्टिक शेड्यूल से टाइम निकाल कर। यस सर। अब आपकी टीम ने स्प्लिट वन के अंदर yes. बहुत अच्छा भी खेला और कभी कभी फिर थोड़ा सा अच्छा भी नहीं खेला, तो मैं बुरा नहीं बोलूंगा, कुछ अच्छा था फिर भी। यस यस। आइडल साहब, पहले आपसे जानना चाहूंगा ऐसा क्यों हुआ? लाइक हम लोग ने जो अच्छा पार्ट खेला उसमें मिस्टेक्स नहीं किए थे, बट जो बुरा पार्ट था उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल मिस्टेक्स थे, जिधर ओवर कमिट में फाइट्स ले रहे थे, उसके वजह से हम लोग राउंड हारते जा रहे थे, पिक्स मिल रहे थे, हम लोग 4v5 राउंड हार रहे थे एज अटैकर्स। बट आई डोंट नो, लाइक हम लोग ने उस पर अभी वर्क किया है, जितना इम्प्रूवमेंट जो हम लोग ने किया है वो हम लोग शो करेंगे। तो गुरु जी आप भी बता दीजिए आपका स्प्लिट वन कैसा रहा आपकी टीम के साथ? स्प्लिट वन में सीन ऐसा था, मतलब हम लोग शुरुआत शुरुआत में हमारा मैप प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, तो हम लोग टीम्स को मार रहे थे, गॉडज़िला को 2-1 मारा, फिर उसके बाद लोटस हमारा एकदम स्पेशल अनफोल्डेड कार्ड था, फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारे ट्रिक्स ख़त्म होते गए वैसे वैसे हम लोग पूरा ऐसा रिवील करते गए, सब कुछ सब रीडेबल हो गए थे हम लोग आखिरी में। हम लोग ने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ किया, लेट्स सी, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो। अभी 3 मैच जो हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। स्प्लिट वन की शुरुआत आपने लीथल को हरा के करी, फिर मेडल को आपने हराया, आपने एक नया रोस्टर बनाया फिर भी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, बट उसके बाद गॉडज़िला को लूजर ब्रैकेट में फेंक के फिर क्या हुआ गुरु? बैक टू बैक गेम हारे हो आप लोग। भाई मिस्टेक्स। हम लोग सिर्फ ओजी के अगेंस्ट 3 बार खेले और ओजी के सामने हम लोग गन पावर पे हारे और वही है मैप्स के वजह से हारे, क्योंकि एस्टर आर्मी का भी मैप्स उनका कैसा हेवन है, उनका स्ट्रॉन्ग मैप और हमारा वीक मैप हेवन है, उनका लोटस वीक मैप है, हमारा लोटस स्ट्रॉन्ग है, तो वो वैसे ही था और एसेंट 50-50 हम दोनों का ही, तो एसेंट पे हम लोग हार गए। जो एसेंट हम लोग हारे जो चोक किए, अगर हम लोग एसेंट जीत गए रहते तो हम लोग गेम इजीली जीत गए था, वो लोटस हम लोग है, लोटस तो हम लोग जीत ही नहीं सकते हमारे सामने, वो हम लोग कॉन्फिडेंट थे, बट हेवन में हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे। यू नो गेम जब हमने स्प्लिट वन की शुरुआत करी थी तो उसी वक्त गेम में एक नया अपडेट आया था गेको और लोटस का, तो लोटस को अपनाना बहुत रिस्की और ये एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले एडवांटेज देना चाहते थे आप? नहीं, हम लोग प्रिपेयर्ड थे, लाइक हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व गए। लोटस ऐसा मैप था कि हम लोग ने एक टीम का कॉम्पोजिशन लिया और उनको पूरा हम लोग ने लाइक उनके स्ट्रैट बुक्स जो भी थे उसको थोड़ा बहुत चेंजेस किया और हम लोग ने वो पूरा प्रॉपर सेट कर दिया था, तो हम लोग रेडी थे लोटस के लिए, लाइक कोई भी पिक करेंगे लोटस या हम लोग पिक करेंगे तो हम लोग वो 100% जीतेंगे। आप दोनों कौन से मोबाइल माउस यूज करते हो? मैं जी प्रो सुपर लाइट। आप? बट मैं सोच रहा हूँ अभी चेंज करने का। मैं ग्लोरियस मॉडल डी। तो आपकी DPI जाननी है मुझे बेसिकली। मेरे को 800 मेरा। 800 DPI, इन गेम सेंसी कितनी है आपकी? 0.2। 0.2, 800 में 0.2, मतलब आप बहुत स्लो सेंसी प्लेयर हो। मतलब अगर सैचल मार के रेस गई ऊपर तो वो चली गई। समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। गुरुजी आपका क्या, आप तो जेट खेलते हो, आपका ज्यादा होना चाहिए। मेरा ज्यादा ही है, 800 DPI पे मैं कभी 0.85 खेलता हूँ और कभी 0.545 खेलता हूँ। तो मतलब पूरा माउस पैड कवर करने पे 360 हो जाता है। हार्ड बॉट मारते हो आप दोनों? कितना मैक्सिमम टच किया है? 24। मेरा 29। हार्ड बॉट। आज भाई आप मेरे भाई के साथ खेलते थे, साई के साथ आपने काफी टाइम खेला, फिर आपने खेलना छोड़ दिया किसी रीजन से और आपने कभी भी नहीं बताया ऐसे कभी मीडिया में आकर। रीजन ये था कि लाइक फैमिली में मॉम का मेडिकल हेल्थ बहुत खराब हो गया था वो सिचुएशन में और मैं बूट कैंप पे था उस टाइम पे, मेरे को ऐसा फोकस नहीं हो रहा था गेम के अंदर, मेरे को ऐसा था कि उस टाइम पे मेरे को मम्मी को देखने गए कि क्या हुआ एग्जैक्टली, तो मैंने सिमर को और ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को मैंने उसी टाइम पे बोल दिया था कि मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रहा, लाइक मैं 100% फोकस नहीं कर पा रहा गेम के अंदर, मोस्टली छोड़ रहा हूँ, मैं मोस्टली जाऊँगा घर पे, तो उस टाइम मैंने छोड़ के मैं जब घर पे गया, भाई ने मेरे लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है लाइक गेमिंग के रिलेटेड, उसने खुद का गेमिंग करियर छोड़ के मेरे को बोला उसने कि तू कंटिन्यू कर, मैं पापा को सपोर्ट करूँगा, और लास्ट ईयर मॉम ऑफ मेरी, उसके बाद से मैंने सोच लिया एक गोल रखा है मेरे करियर के अंदर कि मेरे को इतना अचीव करना है ये कुछ भी हो जाए वो चाहे कितना भी टाइम ले। गुरु जी आपके साथ भी है, आप बीच में 3-4 महीने वेलोसिटी में थे, फिर ये क्या हुआ अचानक से आप भी गायब हो गए? मेरा सीन ऐसा हुआ कि
मेरा मेडिकल हेल्थ थोड़ा डाउन हो गया था। अभी आपकी टीम में बाहर के प्लेयर्स हैं, आई थिंक सर्बिया, रशिया, तो उनके साथ वॉइस कॉम कैसा चला? आर दे गुड विद इंग्लिश? और क्या उनको हिंदी में तो लाना मुश्किल नहीं है, आप जा रहे हो इंग्लिश में, उनका इंग्लिश कैसा है? इंग्लिश लाइक नॉर्मल कॉम्स ही है इंग्लिश, तो इसमें ऐसा नहीं कि अपना कॉम्स के अंदर बसड़ होगा या कुछ होगा लाइक, बट अपन हिंदी में बोलते हैं तो उस टाइम पे बहुत बसड़ होता है, बी आ रहे तो उस टाइम पे जो बंदे रोटेशन पे देते रहते हैं, इफ कोई फ्लाइंग आ रहा है उसके पीछे तो उसको भी साउंड नहीं आता है, तो वही सिचुएशन लाइक आई थिंक सो इंग्लिश कॉम्स हम लोग के लिए अभी फिलहाल के लिए बेटर ही है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बट अभी जैसे कि मास्टर की जगह पे यू नो गॉट रेस्ट, तो ये क्यों अचानक से? बिकॉज आपने पूरा स्प्लिट खेला, दे वर डीसेंट रिजल्ट्स, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। अब बीइंग अ कंट्रोलर आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई पीपल एक्सपेक्ट फ्रैग्स फ्रॉम यू नो कंट्रोलर, क्या ये सही है कंट्रोलर से भी उम्मीद करना फ्रैग्स से? आई थिंक सो, उम्मीद करना बात का ये नहीं है, बट सिचुएशन मैटर करता है कि उसको कैसे सिचुएशन आ रहे हैं, कैसे वो फ्रैग्स कर सकता है, ऐसा नहीं कि अभी लाइक वो कंट्रोलर है तो वो कुछ मारेगा नहीं तो भी चलेगा टीम। अब ये जो ट्रेस्ट का राइवल है, आपको कैसा लगा? ट्रेस्ट मतलब वोकल है बहुत, मतलब इनिशिएटिव लेता है, फिर उसके बाद फ्रैगिंग पोटेंशियल भी है उसका, मतलब मल्टीपल किल्स कर सकता है वो फ्लेक्स भी है, मतलब वाइपर दो, केओ दो, इनिशिएटर कोई सा भी दो, वो खेल लेता है। अभी डेडली आप पे भी उठाए सवाल कि ओवर कमिटमेंट हल्की हल्की लेफ्ट राइट आपसे हो जाती है, किल जॉय की टर्रेट पीछे है बट पहले तो डेडली आ रहा है ये क्यों हो जाता है? ये जेट मेंटालिटी, ड्यूलिस्ट मेंटालिटी हो वही कि मेरे को ही आगे जाके मार के आना है सबको, मतलब जल्दी से राउंड खत्म कर देता हूँ, टीम को बोझ नहीं लगता, पनवेल भी निकलना है वही है। अभी ओजी का जो प्ले स्टाइल है, आपको लगता है एसेंशियल में चलेगा? आई डोंट थिंक सो, मार्केटिंग इजीली पनिश करेंगे। ये चीज तुम्हें पता है, हम लोग ने बुटकैंप में भी जब हम लोग मैं कोच या प्लेयर्स हम लोग देखते ना, हम लोग बहुत बार बात करते, जो राफेल या एजिस या टेसराइट, ये तीनों बंदे जो प्लेस बना रहे थे वीएलटी के सामने भी हेवन मैप में, जो मैंने चीज देखा है स्मोक से निकल के भाई, एलिंग के इसमें से राफेल ने खुद का स्मोक डाला उधर उनके स्मोक के अंदर और वो निकल के दो बंदे या तीन बंदे को मारा। अगर ये बाहर के टीम्स के सामने करेंगे ना, सामने वाले इतना पनिश करेंगे ना कि इन लोग ग्राउंड से निकल आएंगे कभी। गॉड स्पीड कर रहा है क्रैट भाई, लुक एट द बिगर पिक्चर, हम स्ट्रक्चर्ड खेलेंगे, एकल जैसे कॉलिंग देता है, मैं कहा स्ट्रक्चर तो खेल रहे हो बट यहाँ पे हार रहे हो तुम लोग, उस पर क्या कहते हो गुरु आप? मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन लोग 2-2 जा सकते हैं करके, और आई डोंट नो लाइक सबका दिन रहता है, आई थिंक सो, जैसा एस्टर आर्मी के सामने हम लोग का था, उन लोग का जो दिन चल गया था दो बार वैसे ही। ओवररेटेड दो इम्पोर्ट्स बता दो डेली आपके लिए और क्यों है ये बता दो। ओवररेटेड इम्पोर्ट्स तो मैं एकल्स और डोमा बोल सकते हैं, पर क्योंकि अभी परफॉर्म करने का मौका भी नहीं मिला है अभी तक, मतलब फ्रैगिंग तो की है वो तो ठीक है, पर उसके बाद अभी उनका वो स्ट्रैटेजीज वगैरह सब अभी सेट नहीं लग रहे मेरे को, क्योंकि हर मैच कोई ना कोई बैठ रहा है, कोई भी सिनर्जी नहीं दिख रही है, वो तो उनको भी मालूम ही है क्या कर रहे हो लोग। अंडररेटेड कौन है जो मतलब बहुत खेले लोग बात नहीं कर रहे? डिसरप्ट और आर्यू अंडररेटेड लगता है। फ्लैपर इज इमोशनल प्लेयर, देखा है सर्वर पकड़ लेते हैं, यू नो समटाइम इज हैप्पी इज हैप्पी, तो गुरु जी ऐसे प्लेयर को हैंडल करना गेम के अंदर, बिकॉज इमोशन अगर गेम पे भारी पड़ जाए तो लेफ्ट राइट भी जा सकता है, और पूरी मेहनत लगा देना एसेंशियल स्लॉट के लिए। मिलते हैं ठीक है, आप लोगों से भी मुलाकात करूंगा अगले एपिसोड में, टिल देन यू गाइस गो गेमिंग।